हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सुदेव चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टीपी लिंक एडीएसएल 2 मॉडेम को बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे उसको सेटिंग करनी है ताकि उसमें इंटरनेट चल सके वाईफाई के थ्रू। ये हमारे पास वायरलेस एन एडीएसएल मॉडेम राउटर है और हम इसमें ये है कि इसमें ब्रिज मोड में हम जैसे ये नया मॉडेम लेते हैं और उसको हम लगा देते हैं ब्रिज मोड में, ये डायरेक्टली बीएसएनएल से इंटरनेट चला देता है। यदि आपने ब्रिज मोड में सेटिंग कर रखी है अपनी और आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू है तो ये लगाते ही इंटरनेट चला देगा। अगर आप PPPoE और PPOA मोड से चलाना चाहते हैं जिसमें ना कोई पासवर्ड देना होता है ना कोई यूज़र नेम देना होता है, बस हमने नेट चालू किया तो हमारा इंटरनेट लग गया। और इसमें PPOE और PPOA मोड का फ़ायदा होता है कि हम इसमें एंड्रॉयड में चला सकते हैं, मोबाइल में चला सकते हैं, टेबलेट में चला सकते हैं और हम इसमें मल्टीपल डिवाइस चला सकते हैं। BSNL से भी हम मल्टीपल डिवाइस लगा सकते हैं। ये हमारे पास 2 एंटीने वाला ADSL मोडेम प्लस राउटर है और ये सेटिंग टीपी लिंक के हर एक वायरलेस मोडेम के लिए लागू होती है और दूसरे मोडेम में भी यही सेटिंग करनी पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक वायरलेस ADSL मोडेम को BSNL ब्रॉडबैंड के लिए हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये अपना ठीक है 192.168.1.1. ठीक है, इसके अंदर जाएंगे हमें इंटर सेटअप पे। ठीक है, इस पर जाने के बाद में अपना एक्टिव आ जाएगी। ये PVC होती है, प्रोटोकॉल वर्जन कंट्रोल। ठीक है, इस पर हम 0.35 पे करते हैं। इसके ये VVC है ना, PVC है, ये देख लो 0.35 कहाँ पे आती है। ठीक है, 0.35 हो जाती है ना, तो अपनी जगह डाल रखी है मैंने यहाँ पे, जो आपकी यूजर आईडी होती है यूजर नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो। ठीक है, उसके बाद में इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। फिर ये तो हमारी इंटरनेट की सेटिंग होती है, उसके बाद होती है अपनी वाईफाई की। इसमें जाओ वायरलेस में जाने के बाद में अपने सबसे पहले एक्सपेंड होता है, इसको हम एक्टिव करते हैं। ठीक है, इसको एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद में ये होता है अपना SSID, यहाँ से अपना नेम चेंज होता है। ठीक है, जो भी आप नेम चेंज करना चाहते हो वाईफाई का नेम चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होती है ऑथेंटिकेशन टाइप, ये डिसेबल होती है, ऑटोमेटिक में होती है, अपने को WPSK में करनी होती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली है, मैंने कर रखी है। यहाँ पे फिर प्रेस सेट की, इसके अंदर अपने जो वाईफाई का पासवर्ड होता है उसके अंदर पासवर्ड दे लो, जो आपका मन मर्जी होता है, कम से कम भी 8 होने चाहिए उसके अंदर अक्सर। ठीक है, सबसे पहले होते हैं सस्पेंड, इसको हम एक्टिव करते हैं। उसके बाद में हम यह पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद हम इसको मैक एड्रेस फिल्टर नहीं, सबसे लास्ट पॉइंट है जो इसको हम एक्टिव नहीं रखना है, इसको डीएक्टिव रखना है। डीएक्टिव फिर सेव कर दो इसको। ये तो हमारी सेटिंग होती है।